बैहर जिला बनाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर 26 दिसंबर को बैहर से लेकर गढ़ी और रुकवा से लेकर बिरसा साले टेकरी तक बंद का असर देखने मिला। इस दौरान बंद समर्थकों ने बैहर को जिला बनाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। बंद का आह्वान करने वाले ग्रामीणों का कहना है कि बैहर को जिला और गढ़ी को तहसील बनाए जाने से इस क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र के लोगों को किसी भी काम के लिए बालाघाट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी प्रकार के कार्य बैहर और गढ़ी में ही पूर्ण होंगे। और बैहर हर मापदंड में जिला बनाने योग्य है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 10 लाख के ऊपर है। यहाँ का क्षेत्रफल 251,771 हेक्टेयर भूमि में बसा हुआ है। यहाँ 3 तहसीलें हैं, 3 उपतहसीलें हैं, 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, बैहर और परसवाड़ा हैं, 172 ग्राम पंचायत हैं, है कि नहीं। यानी हर दृष्टि से कहा जाए कि बैहर जिला बनाए जाने योग्य है, उसके बाद ही बैहर को जिला नहीं बनाया गया। तो आज व्यापारी भाइयों ने और मोटर मालिकों ने अपना अपना जो प्रतिष्ठान है वो बंद किए, मोटर मालिकों ने चक्का जाम किया अपना खुद स्वेच्छा से, क्योंकि सबकी मांग है, बच्चा चाह रहा है कि बैहर जिला बने। और इस उद्देश्य को लेकर आज सूरज ब्रह्मे ने कहा कि बैहर को जिला बनाने की मांग वर्षों पुरानी है, जिसे लेकर एक बार फिर उनके द्वारा सभी को एकजुट कर समर्थन मांगा गया और लोगों ने स्वस्फूर्त ढंग से इसे सपोर्ट किया, जिससे आज बैहर सहित आसपास के सभी क्षेत्रों में बंद का व्यापक असर दिखाई दे रहा है। मांगे पूरी नहीं हुई। जी इसका कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार तो अब हम ये बोलेंगे सरकार को ही कहेंगे कि सरकार ही नहीं बना रही है। हम किसी नहीं, हम सुनिए ना, दोनों की सरकारें रही है, बीजेपी की भी सरकारें रही है और कांग्रेस की भी सरकारें रही है, तो दोनों ही जिम्मेदार हैं इसके लिए। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क दिखाई दे रहा है। अभी तक इस नए वेरिएंट को लेकर बालाघाट में कोई खतरा समझ में नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी सावधानी बरती जा रही है। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सतर्कता को लेकर 10,000 बूस्टर डोज की मांग शासन से की गई है। जिला टीकाकरण अधिकारी परेश उपलव की माने तो पहले और दूसरे चरण का टीकाकरण जिले भर में हो चुका है, जिसमें पात्र लोगों को टीके लग चुके हैं। वहीं बूस्टर डोज भी हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्करों को लगाया जा चुका है, लेकिन अन्य लोगों को अभी तक बूस्टर डोज नहीं लग पाया है। इसी को ध्यान में रखते हुए 10,000 बूस्टर डोज की मांग की गई है। बूस्टर डोज की वैक्सीन प्राप्त होते ही टीकाकरण फिर से शुरू हो जाएगा। वर्तमान में ये है कि अभी जो नया वेरिएंट आया है, हमारे पास वैक्सीन की उपलब्ध अभी है नहीं। हमने इसमें शासन स्तर पे डिमांड भेजी हुई है, आने वाले 1-2 दिनों में हमें वैक्सीन प्राप्त हो जाएगी, जिसमें हम बूस्टर डोज प्रयास करे थे, जितना ज़्यादा जो हमारे नाती थे वो बूस्टर डोज हम तो लग जाए। और जो पिछला दौर था उस समय जो वैक्सीनेशन चालू हुआ था उसमें पहला और दूसरा डोज यदि अब देखा जाए तो प्रायः सभी जितने भी हमारे एलिजिबल पीपल थे जिन्हें वैक्सीनेशन होना था उन सब तो वैक्सीन लग चुका है। बूस्टर बचा हुआ है वो भी वैक्सीन प्राप्त होते से ही हम प्रयास ये करेंगे कि जल्द से जल्द सभी तो बूस्टर डोज भी लगा। मलाजखंड ताम्र परियोजना से प्रभावित ग्राम बोरखेड़ा, छिंदी टोला, सूजी और कोसा टोला में आज ग्रामीणों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से निकल रहे दूषित पानी की समस्या के साथ ही रोजगार की समस्या को लेकर अपनी परेशानी जाहिर की। ग्रामीणों के इस विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलने पर क्षेत्र के विधायक संजय उइके भी इन गाँवों में पहुँचे, जहाँ उनके द्वारा तत्काल ताम्र परियोजना के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने कहा गया। इस दौरान उनके साथ जनपद सदस्य मोहन मेरावी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीलकंठ रांगडाले, बिरसा कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष रवि बिसेन और आरिफ खान मौजूद रहे। ग्राम पंचायत परसवाड़ा में बस स्टैंड निर्माण को लेकर की गई कार्यवाही एवं खरपड़िया पंचायत को कार्य एजेंसी बनाने को लेकर सरपंच ने प्रशासन पर आदिवासी प्रतिनिधि के अपमान का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए ग्राम पंचायत परसवाड़ा में बस स्टैंड निर्माण को लेकर बिना किसी सूचना के शासकीय कॉम्प्लेक्स को तोड़ने का आरोप लगाया और पक्षपातपूर्ण अतिक्रमण हटाने की बात कही है, जिससे ग्रामीण जनता में
शासन प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश दिखाई देने का दावा उनके द्वारा किया गया। उन्होंने यह भी कहा है कि पेशा नियम लागू होने के बाद ग्राम सभा के द्वारा प्रस्तावित एजेंडे पर कार्य न करते हुए प्रशासन ने तानाशाह रवैया अपनाते हुए ग्राम पंचायत खरपड़िया को कार्य एजेंसी बनाया है, जबकि यह पेशा नियम के विरुद्ध है। बस स्टैंड यदि ग्राम पंचायत परसवाड़ा की भूमि पर मौजूद है तो उसका निर्माण किसी और पंचायत से कैसे कराया जा सकता है। इस पूरे मामले में सरपंच ने आदिवासी महिला प्रतिनिधि होने के कारण अपने अपमान का जिक्र किया है। ऐसे में इसकी जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की है। बस स्टैंड में यानी निर्माण कार्य होना ही था, लेकिन वहाँ की जमीन को नपवाना था, जो कि पैसा के माध्यम से हमने ग्राम सभा में पूरे प्रस्ताव पारित करके तहसीलदार एसडीएम साहब और हमारे सीओ सर सभी को दिए थे। सरकार अपने हमारे सीएम साहब तो पेशा एक्ट के बारे में बोलते हैं जल जमीन सभी आदिवासियों का ये पहला मत है और सभी आदिवासियों को ऊपर उठाना चाहती है। और यहाँ पर अब जो भी हो ऊपर हमारे मंत्री है विधायक है उनके कहने से दबाव पड़ रहा है और यहाँ सब काम अपने मन से हो रहे हैं। वाराणसी क्षेत्र के ग्राम पंचायत कायदी में ऑल इंडिया वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में देश के विभिन्न राज्यों से टीमें भाग लेने पहुंच रही है। पुरुष वर्ग में सीआरपीएफ दिल्ली, छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआईएसएफ रांची, पुणे, हरियाणा, दिल्ली हॉस्टल, पंजाब आर्मी, साई रायबरेली, नागपुर आर्मी को आमंत्रित किया गया है। तो वही महिला वर्ग में कोलकाता, एलपीयू पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, रायपुर, नागपुर की टीमें हिस्सा बनने जा रही है। प्रतियोगिता में महिला वर्ग में प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपये तो वही द्वितीय पुरस्कार 15,000 रुपये दिया जाएगा। इसी तरह पुरुष वर्ग के लिए प्रथम पुरस्कार 25,000 एवं शील्ड तथा द्वितीय पुरस्कार 15,000 एवं शील्ड प्रदान किया जाएगा। टूर्नामेंट आयोजन समिति के अध्यक्ष जितेंद्र नगरगढ़े द्वारा इस संबंध में जानकारी दी गई। इस वर्ष डिपार्टमेंटली टीमें जैसे कि सीआईएसएफ रांची झारखंड राज्य से, आंध्र प्रदेश आंध्रा पुलिस, सीआरपीएफ दिल्ली नागपुर और खेलो इंडिया गुजरात, यूपी से यूथ नेशनल जो खेली हुई टीम है ऐसी और छत्तीसगढ़ पुलिस ऐसी टीमें सम्मिलित होने वाली है। जो मैं समस्त वॉलीबॉल प्रेमी बालाघाट जिला सिवनी जिला महाराष्ट्र आप सभी वॉलीबॉल प्रेमियों से मेरा निवेदन है कि 27 28 29 ग्राम कायदी में पधारकर इन बाहर से आए हुए बड़े बड़े खिलाड़ी जो कि कोई यूथ नेशनल खेला हुआ है, कोई इंडिया प्लेयर है, कोई इंटरनेशनल प्लेयर है, ऐसी खेल प्रतिभा को देखने का मौका ग्राम कायदी में आपको मिलेगा।